15 जुलाई 2018 मन्नतों से मिले घर में हो रहा है मंत्रोच्चार कि नए घर में सब कुशल मंगल हो। घर के बच्चे हैं, अपने हैं और वो रिश्तेदार भी जो इस पूजा में शामिल होने के साथ शिव त्रिवेदी के परिवार को नए आशियाने की बधाई देने आए थे। 17 जुलाई 2018 नए घर के इस कैलेंडर में तारीख अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि तस्वीर बदल गई, वक्त बदल गया। मलबे से मौत का खौफनाक सच एक एक कर सामने आने लगा। यह है शिव त्रिवेदी की 1 साल की बेटी पंखुरी त्रिवेदी। पूजा के वक्त इस बच्ची की किलकारियों की आवाज आ रही थी। पूजा के लिए आई माँ भाभी सब इस हादसे का शिकार बन गए। जो एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से गृह प्रवेश किया शिव त्रिवेदी के परिवार ने। दरअसल जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त शिव त्रिवेदी, उनकी भाभी, उनकी बच्ची और साथ में उनकी माँ मौजूद थी। उनकी वाइफ यहाँ पर नहीं थी। 4 लोग थे, चारों के चारों इस घटना में जो है उनकी मौत हो गई। बहरहाल अब ये वीडियो सामने आया जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि गृह प्रवेश हुआ था, यानी ये कहा जाए कुछ ही घंटों पहले का वीडियो है। 1 दिन पहले बिल्डिंग में नई उम्मीदों और पुराने रिश्तों की चहल पहल थी। वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। 6 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी थी। अब भी रेस्क्यू टीम मलबे में मौजूद लोगों की तलाश में जुटी है। किसी को नहीं पता कि मौत का ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। किसी को नहीं पता कि जो अपने कंक्रीट के नीचे दबे हैं उनकी सांस चल रही है या थम चुकी है। प्रशासन के मुताबिक बचाव का काम अभी 2 दिन और चल सकता है। लेकिन सवाल बस एक बिल्डिंग का नहीं है। इस हादसे के बाद आसपास की इमारतों में रहने वाले कई लोगों की नींद भी उड़ गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में करीब 10,000 लोग इस तरह की इमारतों में रहते हैं जिनका ना तो नक्शा पास कराया जाता है और ना ही बनाते समय तय मापदंडों का ध्यान रखा गया है। दोषियों पर कार्रवाई के दावे हो रहे हैं, नियमों को सख्ती से लागू होने को लेकर सरकारी बयान आ रहे हैं, लेकिन जिन परिवारों के अपने खो गए उनके लिए कैलेंडर की तारीख अब 2 दिन पीछे कभी नहीं जा सकती।